18 सीटों के लिए 8 बजे शुरू हुई वोटों की गिनती, बैलेट पेपर की गिनती होगी पहले। मेयर समेत सभी 18 नगर निकायों के अध्यक्षों और 329 वार्डों के पार्षदों के भाग्य का फैसला आज देर शाम तक होगा। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सुबह 8 बजे से ही मतगणना 5 स्थलों पर शुरू हो गई, जिसमें बैलेट पेपर यानी डाक मत की गिनती आरओ टेबल पर पहले कराई जा रही है। आपको बता दें कि चुनाव से पहले अलीगढ़ नगर निगम के वार्ड पार्षद के लिए खड़े हुए 5 निर्विरोध प्रत्याशी चुन लिए गए हैं, जिसमें छावनी से महावीर सिंह, घनश्यामपुर से अनिल कुमार सेंगर, कृष्णापुरी से अगनलाल, अनवरगंज से कुलदीप पांडे और बेगमबाग से दीपू शर्मा शामिल हैं। जनपद अलीगढ़ में नगर निगम के मेयर सहित 18 सीटों के लिए 8 बजे वोटों की गिनती कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शुरू हो गई है। अलीगढ़ में 18 सीटों के लिए मतदान के बाद 5 जगहों पर वोटों की गिनती होनी है, जिसमें खैर, गवाना, अतरौली, इगलास सहित शहर की धनीपुर मंडी शामिल है। सभी 5 जगहों पर एक साथ वोटिंग की गिनती शुरू हुई है, जिसमें बैलेट पेपर की गिनती सबसे पहले होगी। इसके साथ ही जिला प्रशासन पुलिस ने मतगणना स्थल के आसपास सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। साथ ही मतगणना अभिकर्ताओं के गले में धारण किए गए पास को चेक करने के बाद भी मतगणना स्थल के अंदर जाने दिया जा रहा है, जबकि मतगणना स्थल के 100 से 200 मीटर की दूरी पर बैरियर लगाए गए हैं। जबकि मतगणना स्थल के आसपास अराजकता फैलाने वालों को लेकर पुलिस की तरफ से खास निगरानी की जा रही है। सिंह राघव की रिपोर्ट है। और 5 जगह सुरक्षा के व्यापक इंतजाम है। ये जगह जो है धनीपुर मंडी सबसे बड़ा काउंटिंग सेंटर यही है। यहाँ पर 3 लेयर की हम लोगों ने कॉर्डनिंग लगाया, आउटर कॉर्डन, इनर कॉर्डन और आइसोलेशन कॉर्डन। आउटर कॉर्डन में हम लोगों के ट्रैफिक व्यवस्था पर विशेष जोर रहता है, साथ ही कानून व्यवस्था, और वहीं पर ही 100-200 मीटर पर हम लोगों के बैरियर लगे हैं जहाँ पार्किंग की व्यवस्था भी है। गेट्स पर हम लोगों के DFMD लगा है, चेकिंग सिस्टम होता है। और कोई भी आपत्तिजनक वस्तु जैसे ज्वलनशील पदार्थ हो गया या कोई भी ऐसी चीज जो कि यहाँ पर विघ्न बाधा पैदा कर सकती है, उस चीज़ को लेकर अंदर नहीं आने दिया। और बाकी इनर परिसर में ये होल्डिंग एरिया है जहाँ पर मीडिया रहती है, एजेंट्स वगैरह रहते हैं, और ये काउंटिंग जहाँ पर टेबल रखी है वहाँ पे जिसका राउंड का काउंटिंग चल रहा है वो एजेंट्स वहाँ पे रहते हैं, और हमारे सरकारी लोग भी जो कर्मी हैं वो भी वहीं पर रहते हैं। तो तीनों जगह, तीनों कॉर्डन में हम लोगों का पर्याप्त मात्रा में फोर्स है। CAPF हमको मिली है, PAC हमारे पास है, LIU हमारा एक्टिव है, फायर सर्विस के टेंडर यहाँ पर खड़े हैं, और कुल मिलाकर के एक सुरक्षित वातावरण यहाँ पर दिया गया है ताकि निष्पक्ष यहाँ पर मतगणना हो सके। साथ ही अराजक तत्वों को स्पष्ट कर दिया गया है कि यदि कहीं कोई अराजकता करता है तो उसके विरुद्ध कड़ाई से निपटा जाए। सर, विजेताओं के लिए क्या आपकी अपील रहेगी, जो विजेताओं के द्वारा जुलूस वगैरह निकाला जाता है? विजय जुलूस के लिए मना किया गया है। साथ ही ये भी है कि जो विजयी होता है कैसी है उनकी सुरक्षा के लिए भी स्क्वाड टीम्स लगी है, और अन्य लोग भी जो यहाँ से जाएंगे सबके लिए अलग अलग टीम लगी हुई है ताकि सब लोग यहाँ से सुरक्षित अपने गणतंत्र लें। ठीक, गवाना थोड़ा हाई प्रोफाइल बना हुआ तो वहाँ किस तरह की व्यवस्था की? हमने सब जगह को सेंसिटिवली माना है और सब जगह व्यापक इंतजाम किए गए हैं। कहीं पर कोई एक्स्ट्रा सेंसिटिविटी का इनपुट है तो वहाँ पर हम लोगों ने मतगणना प्रातः 8 बजे प्रारंभ होनी थी और ठीक 8 बजे सारे स्ट्रांग रूम्स खोल दिए गए हैं। मतगणना के लिए जो एजेंट्स हैं, मतगणना कर्मी हैं, वो सभी अपने टेबल्स पे आ गए हैं। स्मूथली मतगणना करने का जो प्रारंभिक कार्य है वो 8 बजे प्रारंभ हो गया, और यही अन्य मतगणना स्थलों पे जो हमारा तहसीलों में है, नगर पंचायतों के, वहाँ भी यही रिपोर्टिंग है कि वहाँ भी कार्य प्रारंभ हो गया। मतलब जैसे जीतने के बाद जो जुलूस वुलूस निकालने का जो जीतने के बाद विजय जुलूस प्रतिबंधित है और बाहर भी पुलिस बल तैनात किया गया। 3 लेयर्स में फिस्किंग हो रही है। जो अधिकृत व्यक्ति है वही मतगणना स्थल पर आ सकता है, और एक बार जिस वार्ड की गणना कंप्लीट हो जाएगी उसके गणना एजेंट बाहर चले जाएंगे, अगले वार्ड की जिसकी गणना होगी फिर उसके गणना एजेंट। सरकारी कर्मचारियों द्वारा जो वोट किए गए बैलेट पेपर की पहले होगी? बैलेट पेपर की काउंटिंग, पोस्टल बैलेट पेपर की काउंटिंग सबसे पहले होती है, तो पहले उसकी काउंटिंग होगी और इसके उपरांत ही EVM और जो मतपेटिका है उसकी काउंटिंग प्रारंभ की जाएगी। तो